सुब्रत बन्ना देखो चार ही तरफ हरियाली फैली है और देखो नौनो नौनो सो जो पीरो रंग जो है बसंत में बहुत ही आनंद दे रहा है सभी जनों की लाने। बिल्कुल भैया, और हम देख रहे हैं कि खूब अच्छो सो मौसम हो रहा है, जाड़ो भी धीरे धीरे सरकत जा रहा है और हल्की हल्की सी गर्मी आ रही है। और हम जा भी देख रहे हैं सुब्रता बिन्ना के आप यही रिथ से जुड़ी भाई कछु सामग्री हमारे श्रोताओं को आज लेके आई हैं, तो हमारे श्रोता भैया भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तमाम श्रोता भैया बिन्नाहरों को कार्यक्रम में खूब ही खूब स्वागत कर रहे हैं। हाँ भैया, देखो कि अपने फोन की लाल बत्ती उजरन लगी है, तो हम देख लेते हैं जो पहले श्रोता हमारे को है। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। कौन है सुनूंगा आपके लिए श्रोता चार्ली राजा? जी चार्ली भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में। तो चार्ली भैया क्या कर रहे हैं आजकल? बस दुकान पे बैठे थे, अपने भाई की दुकान है किराने वाली। अच्छा, अच्छी चल रही दुकानदारी? बहुत बढ़िया है। चार्ली भैया जी, आप किराने की दुकान के अलावा भी कछु कर रहे हो क्या? खेती किसानी? खेती भी है। क्या लगो है बैल? किसी ने पानी दिया था। ठीक है चार्ली भैया, अब हमारी अटका की परंपरा जो है कार्यक्रम में बूझ ले अटका आपसे। अटका कह रहा है, झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नवरंग, जाड़ी से मुक्ति मिले बूझो मोरो रंग। रंग बताने हैं आपको कि कौन से रंग की बात हो रही, लाल हरे पीले नीले, कौन से कलर की बात हो रही है ना। तो अब हम एक बार फिर से सुन ले अटका। अटका है, झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नवरंग, जाड़े से मुक्ति मिले बूझो मोरो रंग। ऐसा कौन सा रंग है जो एक ऐसा प्रतीक माना गया हुआ है कि उस रंग के आने से जाड़ो जो है जो बिल्कुल चलो जात है, प्रकृति झूमन लगत है, पेड़ पत्ता नए नए रंग लाउत है अपने। चलो कोई बात नहीं भैया, कार्यक्रम सुनत रहो। कार्यक्रम के आखिर में बताए हैं क्या फरमाइश ले ले अपनी। हाँ फरमाइश बता दो। फरमाइश प्रसाद को सुनाओ, शंकर जी को सुनाओ। ठीक है भैया, आपकी फरमाइश पे हम सब जने मिलके सुने लिए थे घूमन प्रसाद कुशवाहा को गाओ भाव जौ लोकगीत। हम जाने का चुनौने राजा ही मंचल के दामाद भले दुआ में जाने। ने जू
हेलो, स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुनने में। नमस्कार, हम बोल रहे हैं राम चरण यादव, तहसील गंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश, ग्राम सेमरा टोला से। सुनाओ राम चरण भैया, का चल रहा है अपनो सेमरा में? आपको बोल रहे सर। हम नीरज सोनी बोल रहे भैया। सर हम आए थे, बढ़िया चल रहा है, आप की कृपा से सब मनोरंजन के स्वस्थ रहते हैं और जो एक मनोरंजन से ऊर्जा मिलती है जो अपने शरीर को तनाव मुक्त करती है कार्यक्रम। निश्चित रूप से आपके द्वारा जो है बहुत ही उपयोगी सो संदेश सब तक पहुंच रहा है। चलो तो और सुनाओ अपने गांव के बारे में और कछु बताओ। सर और बढ़िया है, सोचता हूँ की ऐसा कोई काम करें जिससे जीवन पिलाने दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिले, दूसरों का दुख दूर हो जाए। बिल्कुल भैया, कोई भी कार्य करो, एक दूसरे की मदद करो, बहुत ही अच्छी सोच आप रखे हो और उम्दा कार्य जो है आप शुरू कर रहे हो। निश्चित रूप से ऐसे कार्य करो भैया। और अब आ रहे हैं अपन अपने कार्यक्रम की परंपरा पे। हाँ जी सर। अटका पे? हाँ सर। तो हमें उम्मीद है कि भैया अटक है ने? हाँ, नहीं अटक है सर। चलो तो फिर तैयार हो जाओ, आज को अटका आपसे कह रहा है, झूमे सारी प्रकृति, झूमे सारी प्रकृति, पेड़ पाए नव रंग, जाड़े से मुक्ति मिले, बूझो भैया मुरो रंग। नहीं नहीं, धूप नहीं है, लेकिन बिल्कुल लेगा खड़े होता ना, और लगा जोर। नहीं नहीं, बिल्कुल जामानों के संकेत तो मांगी हुई, नहीं लगाई हूँ आप। चलो चलो, कोई बात नहीं भैया, अपनी फरमाइश और हम तक पहुँचा दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ हो रही सर, मुझे को करत का अभ्यास जन्मत हो जान। बिल्कुल, सर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, निशान पड़ गए है, आपको फोन लग गयो। और आपको बहुत ही प्यारो सो लोकगीत सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव। भैया आकाशवाणी से ऐसे ही जुड़े रहो, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनोरंजन भरा, एक दिन आपस में बोली नदियां करके सेन मनोरंजन भरा, राखी बांधन चलो माए के, राखी बांधन चलो माए के, सुन लो मोरी बहन मनोरंजन भरा।
यमुना संग लेवा के मोची सरस्वती पछिया के मिली प्रयागराज में जाके और हुगली हिया हरस गई देखी हुगली हिया हरस गई देखी जब मैंने सुख देन मन रंजन होरा एक दिन आपस में बोली नदिया करके सेन मन रंजन होरा झीलम पोचिया फत झेलत झीलम पोचिया फत झेलत चंबल भिंड मुरैना खेलत कृष्णा पोची माटी झेलत और छिप्रा चली मिलन भैया से छिप्रा चली मिलन भैया से देखत गई उज्जैन मन रंजन होरा एक दिन आपस में बोली नदिया करके सेन मन रंजन भारी गाने तेरे मोची कोसी अपने एरे नोनी लगे नर्मदा घेरे और चली बेतवा जब बन ठन के चली बेतवा जब बन ठन के मोची संगे केन मन रंजन होरा राखी बांधन चलो माए के सुन लो मोरी बहन मन भी बहुत रुआब जमावे सतलज मन में बहुत लजावे मैं बहुत लजावे सतलज मन में बहुत लजावे गली गोमती गुड़िया जावे ओ ब्रह्मपुत्र ने सब बेनन खा ब्रह्मपुत्र ने जब बेनन खा दारू उते ओरे मन रंग महान गोदावरी करे गुणगान और मिलके संग चली धसान घंगरा पैर घाघरा चल गई घंगरा पैर घाघरा चल गई धर लो नो चैन मन रंजन होरा राखी बांधन चलो माए के सुन लो मोरी बहन मन रंजन हेलो कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने आप कौन बोल रहे हैं हमारा नाम है मुकेश कोरी सुनवानी कला भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको जी मैम मुकेश भैया क्या करे थे आप काम चलता है मकान में शटरिंग छत वाला अच्छा शटरिंग को काम करे थे आप जी मैम आजकल तो बहुत जगह जगह मकान बन रहा है तो खूब अच्छा काम काज चल रहा है भैया जी मैम मुकेश भैया ये बताओ कि अब आपके गांव में क्या चल रहा है सिलवानी कला में हमारे गांव में बस यही है रोजगार चलता रहता है धंधे का रोजगार पानी खेती किसानी का अच्छा तो रेडियो सुना था सब जने कि नहीं जी मैम मैं सुनता हूँ आप सुनते हैं आपके परिवार में पूरा सुनता है मैम अच्छा और गाँव के लोग जी मैम गाँव के लोग भी सुनते हैं आज की फरमाइश उर्मिला पांडे जी के स्वर में सुना देना हाँ भैया बिल्कुल आपको सुनवाए हैं उर्मिला पांडे के स्वर में लोकगीत पहले हम बात कर लेते हैं अटका की हाँ तो अटका हम कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनियो हाँ बताइए झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नव रंग जाड़े हाँ। से मुक्ति मिले बूझो मोरो रंग नहीं है मैं मालूम रंग पूछ रहे हैं हम आपसे कौन सो रंग की बात हो रही नहीं जानकारी नहीं है अच्छा चलो भैया कोई बात नहीं आ भैया सुनत है उर्मिला पांडे को गाओ भाव जाओ बसंत गीत सजनी भैरी तुराज बन बहार बगरा
शीतल मंद सुगंध पवन भई शीतल मंद हेलो हेलो प्रभु कुंज खोई से पंडित अरविंद चौबे चौबे जी को स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुनने में। चौबे जी सुनाओ क्या चल रहा है खुराई में अपनो। खुराई में भैया ऐसी है थोड़ी बहुत किसानी में सानी है नी, सुबह अपने कर ले थे, अब इंतजार है कटाई को, मसूर पटाई है। हाँ और खेत पे खड़े हैंगे, अब मसूर वसूर को काम लगो है। बहुत बढ़िया कार्यज में जुटे रहो चौबे जी। आप तो नियमित श्रोता रहे हो, लंबे समय बाद आकाशवाणी फोन लगाओ का कारण है? हम नीरज सोनी बोल रहे हैं भैया। हाँ बहुत दिनों बाद जुड़े हम, आज वो हमें परमानंद जी बैठे मिल गए तो उन्होंने लगवा लो फोन। तो हमने कही कि आज सोनी जी आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है हमारे लाने। हम तो पुराने श्रोता हैं आकाशवाणी को, जब उद्घाटन नहीं बात उस समय से हैं। बिल्कुल, तो आपसे तो निवेदन करें आकाशवाणी से नियमित तो जुड़े रहो, 3 महीना के अंतराल पे फोन करो। तो जान है रेडियो भैया सोनी जी, बहुत बहुत ही अच्छो लगो आपकी आवाज सुन के। मोबाइल में कछु दिक्कत आए हमारे रेडियो सागर आकाशवाणी में आनंद की अनुभूति होते, तो वैसे लोग गीत सुनाते हैं सागर में, सागर सुन लेते हैं, ये सब जानकारी मिल जाती है, बड़ा आनंद की अनुभूति होते हैं, बड़ा अच्छा लगा थे वो। बिल्कुल चौबे जी, आज आपने बहुत उपयोगी और अच्छी बात जो है अपने कार्यक्रम में सभी जनों से साझा करी है। चौबे जी अपन अपने कार्यक्रम की एक परंपरा रखे हैं, आपको तो मालूम ही है जी, अटका की। हाँ जी अटका की हम जानते हैं, मालूम। तैयार हैं चौबे जी? चल तो आज को अटका आपसे कह रहा है, झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नौ रंग, जाड़े से मुक्ति मिले बूझो मोरो रंग। नरियल तो नहीं भैया, जो ऋतु से जुड़ो भाव एक रंग है, ऋतु से जुड़ो भाव रंग है। वस्तु नहीं वस्त। नहीं नहीं, हमारे चौबे जी जवाब नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अपनी फरमाइश हम तक पहुँचा दू। चुन्नी लाल रेखवार को सुना दो। रंगिया खेलोना से लागन लगे, मोरे मन के चलन लगे। बिल्कुल चौबे जी की फरमाइश पे अपन सभी जने मिलकर सुन रहे हैं चुन्नी लाल रेंकवार की गाय भाई, जब बहुत ही प्यारी सी ढिमरे आई। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव। मोरे मन के चरण लगे, राजा खेलवाना से लगे। जब से तुमने जुआ छो
धरते जी आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने। भैया अपनो नाम बता दो। हम बोल रहे हैं लोकेश चड़ा ग्राम मामदा तहसील बंदा जिला सागर मध्य प्रदेश। लोकेश भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। तो लोकेश भैया क्या कर रहे हो आप? एक्चुअली बस पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी कक्षा में हो? हम दसवीं कक्षा पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा है तो परीक्षा की सभी तैयारी हो गई आपकी? हाँ तैयारी अभी लगी है। हाँ तैयारी करो अच्छे से, खूब रिवाइज कर लो अच्छे से, दोहरा लो सब कुछ अपनो जितो पढ़ो है साल भर, और खूब प्रैक्टिस करो, अभ्यास करत रहो गणित। हाँ। के सवालों का अभ्यास करो, बहुत अच्छी तैयारी करो भैया और अच्छे नंबर से पास हो। भैया पता है हमारे यहाँ से एक कार्यक्रम जाता है युववाणी, तो आप युववाणी सुनते हैं? युववाणी किसान वाणी फोन करेगी सुने, फोन करे लोग की सुने, हम सभी कार्यक्रम सुनते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। लोकेश भैया हमारे एक कार्यक्रम की एक परंपरा है, हम एक अटका बूझत है। हाँ तो हम आपसे बोल रहे हैं अटका, आप अपने खूब दिमाग लगाइयो। अटका है, झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नव रंग, जाड़े से मुक्ति मिले बूझो मोरो रंग। नहीं जो नहीं बन रहा हूँ। नहीं बन रहा भैया कोई बात नहीं। लोकेश भैया आप बताओ फरमाइश का लेके आए हो आज? जी विजय सिंह ठाकुर को कोई नया सा भजन। ठीक है लोकेश भैया सुने लेते हैं आपकी पसंद पे विजय सिंह ठाकुर को गाँव भव भजन। We'll be right back.
हेलो हेलो, स्वागत है भैया कार्यक्रम, फोन करें लोग गीत सुने में आपको। जी सर, हम देख बोल सर, हो गए थे 3 महीना, हम ट्राई करके देखे लग गया सर। बिल्कुल भैया, 3 महीना तक ऐसे ही अपन को दूसरों को मौका देने और ट्राई करने से जरूर ही लग है। जी सर। अब देवेंद्र भैया कछु सुनाओ अपने बारे में, अपने गाँव के बारे में। सर कछु एक किसानी करते हैं सर, तीसरा पानी हो गया। हाँ बिल्कुल भैया, किसानी मन लगा के करो। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, आकाशवाणी सागर से आपको किसानी के कार्य में कितनी मदद मिलत है, जरा हमारे तमाम श्रोता भैयारों को बताओ। सर मदद मिलती है, जो आपका गुरुवार किसान वाड़ी गया था, आलू किसान वाड़ी सुनती है सर, बहुत लाभ होता है सुनने से। बिल्कुल देवेंद्र भैया, ऐसे ही जुड़े रहने और निश्चित रूप से आपके द्वारा जो बात हमारे दीगर श्रोताओं तक पहुँच रही है, वे भी आप जैसे कार्यक्रम से जुड़े और ऐसा ही मदद ले हैं। जी सर। तो देवेंद्र भैया, किसानी के अलावा और का करबो अच्छो लगत है, जरा बताओ। और सर खेती किसानी के बाद और घूमना फिरना, घूमने आते हैं फ्री टाइम में। देवेंद्र भैया, अपने कार्यक्रम की एक परंपरा है अटका की। जी सर अटका। हाँ तो आप तैयार हो? जी सर बोलो। चलो हमारे देवेंद्र भैया से आज को अटका कह रहा है, झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नव रंग, जाड़े से मुक्ति मिले बूझो मोरो रंग। पूरा संकेत मिलेगा सर। अब जा मानो के अपन ये रंग में ही खड़े हैं, रंगई में रंगी हैं, नहीं आ रहा हो? नहीं आ रहा सर। चलो आकाशवाणी से जुड़े रहो, सभी कार्यक्रम मन लगा के सुनत रहो और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दो। सर फरमाइश कौन, बसंत गीत मिल जाएगा, बसंतों का मौसम आ गया सर, कौन नए कलाकार का हो तो उसका सुनवा देना। चलो आपको बसंत गीत हम सुनवा रहे हैं, डॉक्टर अरविंद सोनी को गाओ भाव। भैया जुड़े रहो आकाशवाणी सागर से, सुनत रहो तमाम कार्यक्रम, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन ललिते बसंती आन लगे, 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 हरे पात पियरान लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। घटन लगी सजनी अब रजनी, 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 रवि के रथ ठहरान लगे, हाँ रवि के रथ ठहरान लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे, दिन ललित बसंती आन लगे। उड़न लगे चहुओर पताका, उड़न लगे चहुओर पताका, उड़न लगे हाँ उड़न लगे चहुओर पताका, उड़न लगे चहुओर पताका, उड़न लगे चहुओर पताका,
पीरे पट फहराने लगे, हाँ पीरे पट फहराने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे। बोलत मोर को किला कूके, बोलत मोर हाँ बोलत मोर को किला कूके, बोलत मोर को किला कूके, को किला कूके, को किला कूके, बोलत मोर को किला कूके, आमन बोरे दिखाने लगे, हाँ आमन बोरे दिखाने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे। हेलो, फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम में बहुत है, बहुत स्वागत है आपको। आपको बोल रहे हैं अमान लोधी, बोल रहा है बिजपुरी दामोनी से। भैया जी बिजपुरी कितने पड़ा था? दामोनी के पास। अमान भैया क्या करा था आप? अजू नहीं मछली पटन लगी है जी। अच्छा तो अच्छी तैयारी हो गई है आपकी, कहाँ कितने रखोगे उनको बाजार ले जाने बेचने की भंडारण करने? जी जी। अच्छा तो मसूर पटा रहे तो फिर संगे रेडियो चलत जा रहा हूँ। रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं? सभी लगते हैं अच्छे। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है अमन भैया कि आपको सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया कि आपके बिजपुरी में जो आजकल साफ सफाई है उसकी क्या व्यवस्था है, अच्छी है कि नहीं? बिल्कुल सही है साफ सफाई। अच्छा और घूमने वाली को जगह है? घूमने के लिए हाँ मंदिर है। अच्छा धामोनी को किला है ये? धामोनी को किला किनको कहा? राजा रानी रहते। कौन से राजा? नाम मालूम नहीं है। अच्छा तो किला अच्छी अवस्था में है कि जीर्ण शीर्ण होगा वो? नहीं अभी तो अच्छा है, पौने कड़ में है। अच्छा बहुत बड़ो किला कहा? बहुत बड़ा है। तो बिजपुरी से कितनी दूर है ये धामोनी को किला? 4-5 किलोमीटर। चलो भैया हमारे रेडियो के माध्यम से आपके धामोनी के किला की जानकारी अब सभी श्रोता भैया को हो गई, अब तो सभी लोग जाएंगे घूमने। जी जी। अच्छा अमान भैया अब हम पूछ लेते हैं आपसे अटका। ठीक है बहुत ध्यान से सुनियो। अटका है, झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नवरंग, जाड़े से मुक्ति मिले बूझो मोरा रंग। रंग पूछ रहे हैं हम आपसे, कौन से रंग की बात हो रही? संकेत दे थोड़ा। संकेत यही तो बता रहे कि रंग हम पूछ रहे हैं, ऐसा रंग है जौन से ऐसा एक संकेत मानो जाता है कि इसे जाड़ो खत्म हो रहा है, गर्मी आ रही है, पेड़ों में नए नए पत्ता आ रहे हैं। तो नहीं मानना हुआ है। चलो ठीक है कोई बात नहीं भैया, कार्यक्रम के आखिर में हम बताए हैं तब आप सुन लियो। भैया आप बताओ कि आपकी फरमाइश का है? अब 900 गाना सुनवा दीजिए आप आएगी। 900 गाना तो आप बताओ कौन सा 900 गाना सुनवाए? अच्छा ठीक है भैया तो हम आपको सुनवाओ थे शिव रतन यादव को गाओ भाव जाओ लोकगीत।
हेलो, स्वागत कर रहे भैया आपको कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में। नमस्ते सर। नमस्कार भैया, अपनो परिचय दे दो। हम जिला सागर से बोल रहे हैं। सत्यभान। सत्यभान भैया कछु सुनाओ, कौन जगह से बोल रहे? गांव है हमारा कोटरा। कोटरा गांव। तो भैया जो कोटरा कहाँ पड़ा थे? जो पड़ते बहरवल के उल्डन के पास में, बंडा बहरुल के आसपास। कहाँ नो? सुनाओ कछु गांव के बारे में बताओ भैया। अभी तो साहब काम लगा नहीं कछु। और अभी तो गिरी है। चलो माने अबे लगभग 10-15 दिन 20 दिन की देरी कहानी, फिर कटाई के कार्य से लग हो। जी सर, जी सर। अपने कार्यक्रम की एक परंपरा अपन रखे हैं अटका की। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अटका को जवाब आप दे हो, जो अपनो ऐसो अटका है कि बिल्कुल अटका ही समय से जुड़ो भाव है। जी सर, प्रयास कर रहे हैं। चलो कोशिश करो, आज को अटका आपसे कह रहा है। झूमे सारी प्रकृति, पेड़ पाए नव रंग, जाड़े से मुक्ति मिले, बूझो मोरो रंग। नहीं, फसल में नहीं, आज जो ऋतु को एक रंग है वो जा मान लो कि अपन ये ऋतु में जो है चल रहे हैं। चलो एक बार और सुन लो। झूमे सारी प्रकृति, पेड़ पाए नव रंग, जाड़े से मुक्ति मिले, बूझो भैया मोरो रंग। चलो कोई बात नहीं, कार्यक्रम के आखिर में आपको अटका को सही जवाब मिले, अब अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दो। बाबू लाल मस्ताना जी को लोक गीत हमारे सत्यभान भैया की फरमाइश पे अपन सभी जने मिलके सुन रहे हैं। भैया आकाशवाणी से ऐसे ही जुड़े रहियो, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर फिर सुन लेता जन्म दोबारा पाओ और बुंदेली धरती मिले, सो ये कई चीज मंगाओ। के ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। छत्रसाल से बीरे दे गई जा धरती, अमर नाम भय दुनिया जय जय है करती। छत्रसाल से बीरे दे गई जा धरती, अमर नाम भय दुनिया जय जय है करती। सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं नाव ज्ञान के प्रचंड में, सबसे आगे हैं नाव ज्ञान के प्रचंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। चित्रकूट और खजुराहो से धाम है, पन्ना को देखो दुनिया भर में जो नाम है। चित्रकूट और खजुराहो से धाम है, पन्ना को देखो संसारी में नाम है। बड़ो नोनो लगे देखो भीम कुंड में, बड़ो नोनो लगे देखो भीम कुंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। आला और उदल की अमर है कहानी, आला और उदल की अमर है कहानी, झांसी की रानी की शक्ति मर्दानी। आला और उदल की अमर है कहानी, झांसी की रानी की शक्ति मर्दानी। बीत जीवन बुंदेलखंड से अखंड में, बीत जीवन बुंदेलखंड से अखंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में।
की माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में छत्रसाल से वीर दे गई जा धरती अमर नाम भय दुनिया जय जय है करती छत्रसाल से वीर दे गई जा धरती अमर नाम भय दुनिया जय जय है करती सबसे आगे है नाव ज्ञान के प्रचंड में सबसे आगे है नाव ज्ञान के प्रचंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड 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 में। सुब्रता बिन्ना जाहती आज के कार्यक्रम की हमारे श्रोता भैया की अंतिम फरमाइश। हाँ नीरज भैया, और आप हम बता देते हैं कि आज को जो अटका है तो वो अटका को आज हमें कोई भी श्रोता बूझ नहीं पाए। बिल्कुल बिन्ना, अटका समय आधारित है तो जो महीना चल रहा है वही से जुड़ो भाव है तो मनो कोशिश हमारे तमाम श्रोताओं ने करी सो कोई बात नहीं। हाँ नीरज भैया, अब हम आपको बता देते हैं जो कार्यक्रम में अटका लेके आए थे वो कौन सो है। तो हमारा अटका है झूमे सारी प्रकृति पेड़ पाए नवरंग जाड़े से मुक्ति मिले बूझो मोरो रंग। बिल्कुल सुब्रता बिन्ना, और एक ऐसे समझ सकते हैं बसंत की जब रित लगत है तो पूरी प्रकृति जो है वो रित में रंग जात है। पेड़ जो है नए नए पत्ता और फूलों से लद जात है, वो जाड़ों से देखो धीरे धीरे अब जाने लगू है। और हमारे भैया है रखो ये रित को जो है रंग बूझने तो सो वो रंग है तो जिखो अपन बसंती रंग किए थे पीलो रंग। बिल्कुल नीरज भैया, और पीले रंग को आज हमारे कोई भी कार्यक्रम में श्रोता तो नहीं बूझ पाए पर हमें अपनी प्रकृति में जगह जगह दिखाई दे रहा है। और भैया हम ये भी बता दें कि जे अटका हमको लिख के पहुंचाओ हिलगन से राहुल सिंह ठाकुर ने। राहुल भैया इतनो प्यारो नोनो सो परंपरागत अटका आपने हमारे कार्यक्रम में हम तक पहुँचाओ के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप और भी हमको ऐसे ही नोने नोने परंपरागत अटका पहुंचा सकते हैं, इके लाने हमें चाहे व्हाट्सएप कर दें और चाहे चिट्ठिया के माध्यम से भेज दें। हमारा व्हाट्सएप को नंबर है 9770432297। ये नंबर को हमारे श्रोता भैया ऐसे भी समझ सकते हैं 97704-32297। बिल्कुल नीरज भैया, और नीरज भैया अब हम बता देते हैं हमारे तय चिट्ठिया पहुँचाने के लाने हमारा पता। बिल्कुल सुब्रता बिन्ना, जो भी बहुत जरूरी है हमारा पता है कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर पिन कोड है 470001। बिल्कुल सुब्रता बिन्ना, और हमारे तमाम श्रोता भैया हरे जो ये कार्यक्रम से जुड़ो चाहत हैं बहुत ही प्यारो सो अटका में उलझो चाहत हैं अपनी फरमाइश की लोकगीत सुनो चाहत हैं और बहुत ही प्यारो प्यारो सो बुंदेली बतकाओ हमसे करो चाहत हैं भी आकाशवाणी के इन नंबरों पे फोन लगा के हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ, हमारा आकाशवाणी का फोन नंबर है 240-845 और सागर से बाहर के श्रोताओं के लाने एसटीडी कोड है 07582। और नीरज भैया आजकल तो कहा है कि सब मोबाइल से फोन लगाओ थे तो एसटीडी कोड संगे लगाने परत है तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं नंबर अपनो 07582-240-845। बिल्कुल सुब्रता बिन्ना, और हमारे तमाम श्रोता भैया हरे अब अगले कार्यक्रम में और उत्साह और लगन के संगे हमसे जुड़ भी तैयार रहे हैं। और नीरज भैया ये भी बता देते हैं कि हमारे कार्यक्रम में फोन कौन से दिना और कितने बजे लगाने हैं। बिल्कुल सुब्रता बिन्ना, हमारे तमाम श्रोता भैया हरे प्रति मंगलवार शाम 4 बजे से आकाशवाणी की आपकी बताए हुए नंबरों पे फोन लगा के उसी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नीरज भैया अब हो रही है चलबे की बेरा, लेकिन जाने से पहले बता देते हैं उनके नाम जिन्हें हमें आज अपने कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दो। आज के कार्यक्रम में बिन्ना हमें तकनीकी सहयोग प्राप्त भव सुनील खरे और हेमंत तिवारी से,
और आप तमाम श्रोता भैया बिन्नाहरों से बुंदेली में बतकाव कर रहे थे हम सुब्रता यादव और हम नीरज सोनी और भैया एक संगे स्वीकारो हम औरों की राम राम, राम।